अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 बहलूल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बहलूल की रीडिंग की थी विद ट्रांसलेशन और उसकी थीम और उसकी सेंस को समझा था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। पेज नंबर 67 पर इसकी एक्सरसाइज है वर्किंग विद वर्ड B1 एक्सरसाइज। Use the following in sentences of your own. Look in a dictionary if you are not sure of the meaning. आपने इन वर्ड्स की मीनिंग्स को पहले ढूंढना है और फिर इसके सेंटेंस बनाने हैं। और ये सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि वो एक डिक्शनरी ओपन करें और इनके मीनिंग्स जो हैं वो फाइंड करें। जब इनकी मीनिंग समझ आ जाएँ तो अपने अल्फाज में उनके जुमले बनाएँ। तो आइए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं टेम्परेचर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सेकंड वर्ड है लुक्ड ब्लैंकली, मतलब कि बिल्कुल खाली नज़र आना, मतलब ऐसा जिसके चेहरे पर कोई तासुरात ना हो। ही वॉज लुकिंग एट हिज फ्रेंड ब्लैंकली, मतलब कहते हैं ना मुंह फाड़ के देखते रहना। सो इसका मतलब वही बनता है कि वो अपने दोस्त को बिल्कुल ब्लैंकली देख रहा था। हॉवर मतलब ऊपर हवा में फैलना या उड़ना। आर्मीज हेलीकॉप्टर हॉवर्ड इन एयर, आर्मी का हेलीकॉप्टर गश्त कर रहा था हवा में। समोंट, समोंट का मतलब होता है मिलना या बुलाना। माई फादर समोंट मी इन दुबई, मेरे बाबा ने मुझे दुबई में देखा मिला या बुलाया। शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में होना या कोई गड़बड़ होना। तो माई पेट वॉज इन अ शैम्बल, मतलब मेरा जो पेट है वो किसी गड़बड़ में फंस गया है। विथ सम अलार्म मतलब कि चौंका देने वाला। द बोट टिल्टेड, बोटमैन क्राइड विथ सम अलार्म। बोट जो है वो हिलने लगी और जो कश्ती सवार था, कश्ती चलाने वाला जो बंदा था, उसने वो रोने लग गया कुछ चौंका देने वाले एक्सप्रेशन के साथ। ग्लैंसिंग नर्वसली मतलब निहारना, देखना घबराते हुए। ही वॉज ग्लैंसिंग नर्वसली हेयर एंड देयर, वो घबराते हुए इधर उधर देख रहा था। इसके बाद पेज नंबर 68 पर एक्सरसाइज है सी इफ़ यू कैन मैच दिस। आपने इनको मैच करना है। यहाँ पे वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे इनकी एब्रिविएशंस लिखी हैं, तो इसे आपने इसके साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एमपी। अब यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड जो एम से स्टार्ट हो रहा है वो ये है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम इसे इसके साथ मैच करेंगे। देन वर्ड है सेंट, ठीक है, एस टी, ये शॉर्ट फॉर्म है सेंट का, हम इसे इसके साथ मैच करेंगे। देन है सेक मतलब सेकंड, वी विल मैच इट हेयर। देन है वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वी विल मैच इट हेयर। देन है लिमिटेड, वी विल मैच इट हेयर। एंड देन है को मींस कंपनी, वी विल मैच इट हेयर। सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 3। हियर आर 3 वेल नोन प्रोवर्ब्स, यहाँ पे 3 प्रोवर्ब्स बताए गए हैं। ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स वट ईच वन मीन्स, आपने इनको अपने अल्फाज में लिखना है कि इनका मतलब क्या है। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। अ वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहते, इफ़ वी डोंट वेस्ट थिंग्स वी विल नॉट बी इन नीड लेटर, तो बाद में हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। मतलब कि अभी हम चीज़ों को महफूज रखेंगे तो बाद में वो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। सेकेंड है वन गुड टर्न डिज़र्व्स अनदर, मतलब कि अगर आपने कोई अच्छा काम करना है तो आप उसकी हेल्प करें। लाइक इफ़ वी हेल्प सम वन वन डे दैट पर्सन में हेल्प अस, मतलब अगर आज हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो कल को हमारी मदद करेगा।
टू हेड्स आर बेटर देन वन, इसका मतलब ये है कि अगर बात दो के दरमियान में ही रहे, तीसरे को पता ना चले, तो मसले जो है वो ख़राब नहीं होंगे. और इसकी इंग्लिश मीनिंग जो है वो यहाँ पर रिटन है. उसके बाद एक कॉमन ईडियम्स जो आपने यहाँ मैच करने हैं इनके साथ, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है टू हिट बिलो द बेल्ट, मतलब कि किसी की इज्जत नफ्स को झंझोड़ देना. तो इसको हम मैच करेंगे सी के साथ, टू फाइट और आर्ग्यू अनफेयरली, मतलब बगैर फेयर तरीके से किसी से फाइट नहीं करना, हद से ज़्यादा ही उसको तंग कर देना. सेकेंड है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि दो तीर से एक शिकार. तो इसका जो है वो मैच होगा एफ के साथ, मतलब टू सक्सीड इन डूइंग टू थिंग्स विद ओनली वन एफर्ट, एक ही कोशिश के साथ दो काम कर लेना. देन है टू कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना, इसका मतलब ये होता है. और ये मैच होगा बी के साथ, मतलब किसी को कोई क्राइम करते हुए पकड़ लेना. उसके बाद है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ही ढोल पीटते रहना, इसका जो है वो होगा ए, मतलब अपनी तारीफ खुद ही करते रहना. टू प्रेज वंस ऑन गुड डीड्स. देन है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका जो मीनिंग है दैट इज़ मतलब बगैर किसी झिझक के कोई काम करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देना. उसके बाद है टू पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, मतलब सबको एक ही नज़र से देखना, चाहे वो पैसा हो चाहे वो वक्त हो, किसी के लिए भी आप उसे कुर्बान कर सकते हैं. तो ये मैच होगा डी से, टू रिस्क एवरीथिंग मनी टाइम ऑन ओनली वन थिंग, मतलब एक ही चीज़ के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देना. उसके बाद यहाँ पे है लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज, जिसमें हम आज प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग जो है वो आई एन जी से होती है, मतलब जैसे यहाँ पे वर्ड शाइन है, इसमें इसे अगर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो हम इसके साथ ई को ख़त्म करके आई एन जी लगा देंगे और वो बन जाएगा शाइनिंग. सिमिलरली यहाँ क्राई है तो पास प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई एन जी और ये बन जाएगा क्राइंग. So this was all about today's video. I hope you have understood the exercise of this chapter 6 balloon. Now we will solve exercise of junior English. So today we are going to solve page number 35 and 37 of junior English. On page number 35 there is an exercise written as noun possessions. So let me tell you what is noun possession. To make a singular noun to show possession we add apostrophe s, मतलब एक किसी भी noun को singular बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ apostrophe s डाल देते हैं. जैसे कि यहाँ पे the dress belonging to n, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी बात, इसको छोटा करने के हम क्या लिखेंगे, n's dress, ये किसका है, this is n's dress. इसी तरह से अपोस्ट्रोफी जो है वो हम यहाँ लगा के, तो जिसके बारे में बात हो रही है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मतलब सब्जेक्ट के साथ हम जो है वो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और उसके बाद हम उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे. जैसे कि यहाँ पे है द थिम्बल बिलोंगिंग टू द टेलर, तो हम क्या लिखेंगे, ये टेलर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे टेलर्स और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ पुट कर देंगे थिम्बल. और इसी तरह से यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज बी इज आल्सो द सेम. अब यहाँ पे जो प्लूरल है उसको हमने चेंज करना है, प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस है वो एंड पे लगेगा. सिमिलरली लाइक एलिफेंट्स टस्क, सेलर्स यूनिफॉर्म, डॉग्स बोन्स, मतलब एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा और साथ में जो उनका ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टू मेक अ प्लूरल नाउन विच डज नॉट एंड विद एस शो पोजेशन एड्स एस जस्ट एज विद द सिंगुलर नाउन. अब ऐसा प्लूरल नाउन जैसे जिसके आखिर में एस नहीं लिखा हुआ तो हम उसको वैसे ही उसके जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और उसे चेंज कर देंगे प्लूरल में. अब देखें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि वुमन है, यहाँ पे अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे ए लिखते,
ठीक है, जब हम इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे, तो ये है प्लूरल लेकिन इसके साथ एस मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, और फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम ये स्टेटमेंट नंबर 5 देखते हैं, टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, अब ये है तो प्लूरल ई है, अगर ए होता तो ये सिंगुलर होता, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे एन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो उसके साथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय दिस वे। अब हम करते हैं पेज नंबर 37। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज़ ऑन पेज नंबर 37। यस इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का जो बाय वर्ड मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, दैट इज़ छोटा कर देना या सुखेड़ देना। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ एक वर्ड लिखा है कैन नॉट, ये एक इट्स अ बिगर वर्ड, सो यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट इट, इसको आपने छोटा करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है कैन, उसके बाद अपोस्ट्रोफी पुट करेंगे और टी लगा देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लाना। नाउ अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि हम किस तरह से प्रोनाउंस को और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन्हें शॉर्ट करते हैं। यहाँ एक टेबल है, इट इज़ मैंशनड हेयर। आप यहाँ देखेंगे जैसे कि आई वुड है तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं, आई हैड, ठीक है, और उसके बाद शी वुड है तो शी हैड, डी लगा देंगे हम इनके साथ, और इस तरह से आपने अपनी इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है जहाँ पे जो वर्ड्स है वो इस टेबल को देखते हुए सॉल्व करना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इनकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे सॉल्वड है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, बाकी यहाँ पे मेंशनड है। लाइक आई एम है तो जो ए है इसको हम ख़त्म कर देंगे, दिस वर्ड विल बी फिनिश्ड, हम इसे इरेज कर देंगे, और यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगा के साथ में एम यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा आई एम। उसके बाद यू हैव है तो यू लगेगा और साथ में एंड वाला जो वर्ड्स हैं वी ई वो यू यहाँ पे पुट होगा और ये बन जाएगा यू हैव। सिमिलरली जहाँ विल आता है उसके साथ हम सिर्फ एल लगाते हैं, आई और नॉट, ठीक है, इस तरह से। एंड सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय दिस वे। इस एक्सरसाइज में हमने जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है उसको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड ख़त्म करके ओरिजिनल वर्ड्स में राइट करना है, और वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि कांट का कहाँ है, ये रहा, ठीक है, कांट का ये रहा, तो आप इसे यहाँ से देख के सॉल्व करेंगे। सो इस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज 35 और 37 जूनियर इंग्लिश की सॉल्व करनी है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।